आपसे करा कि विद्युत धारा कैसा है, मात्रक क्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन दो कह रहा है कि विद्युत धारा को मापने वाला उपकरण कौन सा होता है, तो दो नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अमीटर। क्वेश्चन नंबर तीन आपसे कह रहा है कि आदर्श एमीटर का प्रतिरोध कितना होता है, तो तीन नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, शून्य। क्वेश्चन नंबर चार में कह रहा है कि किसी चालक में किसी बिंदु से 5 मिनट में 300 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो धारा का मान क्या होगा, तो फॉर्मूला होता है क्यू इजिकल टू आई टी, ठीक है, क्यू इजिकल टू क्या होता है, आई टी होता है, आई जहाँ पे क्या है, करेंट है, टी टाइम है, और क्यू जो होता है आपका 300 कूलम्ब जो आवेश दिया हुआ है उसका वैल्यू 300 यहाँ पे डाल देना है, ठीक है, इक्वल टू आपको निकालना क्या है, तो आपको धारा यानी कि करेंट निकालना है, आई निकालना है, इंटू जो टाइम है, टाइम आपको दिया हुआ है 5 मिनट, तो टाइम जो है सेकेंड में आपको लेना है, तो 5 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करेंगे तो 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, और आई का वैल्यू निकालना अगर आपको है तो 3600 जो है इसमें से क्या करेंगे, ये हम डिवाइड कर देंगे इसे, तो 300 में 300 से डिवाइड होगा यानी कि आंसर आपका 1 एम्पियर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर पांच आपसे कह रहा है कि जो विभव मापने के लिए काम आता है, क्या चीज काम आता है विभव मापने के लिए, तो पांच का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वोल्ट मीटर, ठीक है। छठा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वोल्ट मीटर को परिपथ में किस क्रम में लगाया जाता है, तो छह नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में। सातवां नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि विभवांतर एवं धारा एक दूसरे के समानुपाती होते हैं, कौन सा नियम है, तो सात का आंसर क्या हो जाएगा आपका, ओम का नियम है। अब ओम का नियम होता क्या है, तो बी इज इक्वल टू आई आर। क्वेश्चन नंबर एट कह रहा है आपसे कि प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ओम हो जाएगा। नाइन नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, कह रहा है कि विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है, तो इसका आंसर आपका नाइन का क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा ओम इंटू मीटर। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं, कह रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक है कौन सा, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, वेबर। उसके बाद 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विशिष्ट प्रतिरोध का मान किस पर निर्भर करता है, तो जो पदार्थ होता है उसकी प्रकृति पर। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 4 मीटर लंबे तार का प्रतिरोध 5 ओम है, ठीक है, यदि तार की लंबाई 8 मीटर कर दी जाए तो तार का प्रतिरोध कितना हो जाएगा, प्रतिरोध होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है लेंथ के, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ होता है, मतलब समानुपाती होता है, ठीक है। तो जैसे ही हमने क्या किया कि तार की जो लंबाई को बढ़ाया तो प्रतिरोध कितना था, 5 ओम था, तो लंबाई दोगुना हो गया ना, 8 मीटर हो गया, तो प्रतिरोध भी क्या हो जाएगा, दोगुना हो जाएगा, क्योंकि ये समानुपाती होता है, तो 5 ओम से क्या हो जाएगा, 10 ओम हो जाएगा इसका आंसर, ठीक है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 कह रहा है कि सबसे अच्छा और सबसे घटिया सुचालक युग्म है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, चांदी सबसे अच्छा है, और सबसे बेकार जो सुचालक होता है वो कौन सा है, वो है सीसा, ठीक है। निम्न में अर्धचालक का उदाहरण है कौन सा, तो 14 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, सिलिकॉन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 आपसे कह रहा है कि वे पदार्थ जिनका प्रतिरोध शून्य हो उसे क्या कहते हैं, तो 15 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका हो जाएगा, आंसर नंबर डी हो जाएगा, अति चालक कहते हैं। कह रहा है कि निम्न में विद्युत का कुचालक और ऊष्मा का सुचालक है, क्या चीज है, तो 16 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, माइका या अभ्रक बोलते हैं इसको। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घरों में कूलर पंखे बल्ब कौन से क्रम में जुड़े होते हैं, तो 17 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, समानांतर क्रम में जुड़े होते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है कि श्रेणी क्रम में सभी तारों में कौन सा गुण समान होता है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा धारा, ठीक है, 18 का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19 कह रहा है कि भारत में जो प्रत्यावर्ती धारा एसी की आवृत्ति कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। ट्रांसफार्मर किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो अन्योन प्रेरण पे। वन आपसे कह रहा है कि ट्रांसफार्मर किस धारा की वोल्टता को बदलता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए प्रत्यावर्ती धारा यानी अल्टरनेटिंग करेंट। क्वेश्चन नंबर 22 पे चलते हैं, कह रहा है कि जनित्र किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो 22 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि जनित्र की कुंडली को क्या कहते हैं, तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा, आर्मेचर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है कि वह साधन जो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है, इसका आंसर क्या हो जाएगा 24 का, तो 24 का हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, मोटर। 25 कह रहा है कि बल्ब का तंतु किसका बना होता है, तो 25 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, टंगस्टन का बना होता है। क्वेश्चन नंबर 26 आपसे कह रहा है कि ट्यूबलाइट के स्टार्टर में प्रयुक्त गैस होता है कौन सा, तो 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, आर्गन। हीटर 27 कह रहा है कि हीटर का तापमान तंतु किसका बना होता है, तो 27 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, नाइक्रोम का बना होता है।
भारत की सिलिकॉन वैली किसे कहा जाता है? तो ये क्या हो जाएगा, इसका आंसर डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बैंगलोर को कहा जाता है 28 नंबर में। उसके बाद चलिए 29 पे चलते हैं। ये आपसे कह रहा है कि किलो वाट किसका मात्रक है, तो किलो वाट का आंसर आपका क्या हो जाएगा, अगर हम 29 की बात करें तो इसका आंसर बी हो जाएगा, विद्युत ऊर्जा का। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि 100 वाट का एक पंखा रोजाना 10 घंटे काम करता है, तो 30 दिन में विद्युत खर्च कितना होगा। अब देखिए बात क्या है कि जो 1000 वाट का पंखा होता है एक घंटे में एक यूनिट खर्च करता है, तो 1000 वाट का पंखा एक घंटे में एक यूनिट खर्च करता है, यानी कि 100 वाट का अगर पंखा होगा तो एक दिन में 10 घंटे काम करेगा, तो एक यूनिट कंज्यूम करेगा 100 वाट का पंखा। 10 घंटे काम करके एक दिन में कितना यूनिट कंज्यूम करेगा, एक यूनिट, तो 30 दिन में कितना यूनिट करेगा, तो 30 दिन में 30 यूनिट करेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 आपसे कह रहा है कि अश्व शक्ति किसका मात्रक है, तो 31 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, विद्युत शक्ति का। ठीक है, टंगस्टन का गलनांक कितना होता है, तो टंगस्टन का गलनांक कितना हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। 33 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है, तो ट्रांसफार्मर का उपयोग कहाँ पे किया जाता है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, विभव बदलने में, डी ऑप्शन इसका करेक्ट हो जाएगा 33 का। 34 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपसे क्या कह रहा है, 34 कह रहा है कि जो विद्युत स्त्री में हैंडल किसका बना होता है, 34 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बेकेलाइट का। ठीक है, 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि फ्यूज किसका बना होता है, तो 35 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी एच करेक्ट ऑप्शन, टीन प्लस सीसा का। क्वेश्चन नंबर 36 पे चलते हैं, ये कह रहा है कि बैटरी में विद्युत अपघट्य के रूप में किसका उपयोग होता है, तो 36 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग किया जाता है। 37 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में बेमेल को छांटिए, मतलब कि जो मैचिंग नहीं कर रहा है, तो धारा, अब धारा का जो बोल रहा है कि एम्पियर होता है, करेंट का जो यूनिट होता है एम्पियर होता है, तो क्या सही है, तो बिल्कुल सही है सर, बिल्कुल सही है। विभव का वोल्ट होता है, सही है। आवेश का कूलम्ब होता है, सही है। प्रतिरोध का मोह होता है, नहीं ये गलत है, प्रतिरोध का क्या होता है, ओम होता है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, रॉन्ग, बेमेल है, तो ये ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 38 आपसे कह रहा है कि बल्ब में कौन सी गैस भरी जाती है, तो काफी सिंपल है और काफी रिपीटेटिव क्वेश्चन है, काफी रिपीट हो रहा है क्वेश्चन, नाइट्रोजन गैस होती है। आकाशीय बिजली में सुरक्षा के लिए काम में लेते हैं किस चीज को, तो 39 क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, लाइट कंडक्टर का। अब कह रहा है कि 40 नंबर क्वेश्चन में किसी आवेशित खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र का मान होता है कितना, तो 40 की अगर हम बात कर ले तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा, शून्य। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 41 आपसे कह रहा है कि 60 वाट व 240 वोल्ट के बल्ब में प्रवाहित धारा का मान कितना होगा। देखिए जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, पी इजिकल टू वी आई होता है। ठीक है, तो पी आपको दिया हुआ है कितना, ये दिया हुआ है 240 वोल्ट, यहाँ रखना है आपको 240 वोल्ट। ठीक है, इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, वी बोले तो कितना दिया है, 60 वाट। ठीक है, इंटू इंटू क्या हो जाएगा, आई। ठीक है, तो इसको अगर हम देखें तो कितना आ जाएगा, कैंसल आउट करेंगे तो 60 से कितना हो जाएगा, 4, यानी कि 4 एम्पियर, तो यहाँ पे 40 नहीं, यहाँ पे 4 एम्पियर केवल होगा, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 42 आपसे कह रहा है कि धारा विभवांतर और प्रतिरोध को मापने में काम आता है किस चीज का, तो 42 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, ये मल्टीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन 43 आपसे कह रहे हैं निम्न में वोल्ट है, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा वोल्ट का, तो 43 का क्या हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, जूल पर कूलम्ब। 44 आपसे कह रहा है कि सड़कों के किनारे बल्ब कौन से क्रम में लगे होते हैं, तो 44 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, श्रेणी क्रम। क्वेश्चन 45 कह रहा है कि चालक में किसके प्रवाह के कारण धारा प्रवाहित तो होती है, तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा इसका करेक्ट ऑप्शन, इलेक्ट्रॉन। 46 आपसे कह रहा है कि जो नियम बताइए जो धारा की उत्पत्ति के कारणों का विरोध करता है, ठीक है, तो 46 का आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन लेंज का नियम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 47 कह रहा है कि चुंबकीय प्रभाव का अध्ययन सर्वप्रथम किसने किया था, ठीक है, तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, होस्टेड ने। 48 कह रहा है कि आपसे एक अश्व शक्ति के वाट की संख्या कितनी होती है, तो एक अश्व शक्ति जो होता है वो क्या होता है, 746 वाट के बराबर होता है, तो इसका बी ऑप्शन 48 का बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 1 किलोवाट घंटा में
जो है जूल की संख्या बताइए। तो 1 किलोवाट घंटा में कितने जूल होते हैं, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आज का लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, ये कह रहा आपसे कि इलेक्ट्रॉन पर जो विद्यमान आवेश कितना होता है। तो 50 का ऑप्शन क्या आपका हो जाएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 1.6 × 10⁻¹⁹ कूलम। ठीक है, अब चलिए कुछ फुल फॉर्म देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जैसे एसआई का मतलब क्या होता है, तो ये होता है आपका इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। ठीक है, एलईडी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो लाइट एमिटिंग डायोड। ये काफी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे दे दिया है ताकि आपको ध्यान रहे ये चीजें। एलसीडी की बात करें तो ये होता है लिक्विड क्रिस्टल डायोड। सीएफएल जो बल्ब आता है उसका जो पूरा फुल फॉर्म होता है वो क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट फ्लोरोसेंट लैम्प होता है। ठीक है, सीएफसी की बात करें तो ये होता है आपका क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। ठीक है, सीएनजी गैस जो होता है उसका फुल फॉर्म क्या होता है, तो कंप्रेस्ड नेचुरल गैस होता है। ठीक है, एलपीजी गैस की बात करें, एलपीजी ये क्या होता है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है।